A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start chapter 5, coal and petroleum. आज जो हम chapter start करने जा रहे हैं वो है हमारा coal and petroleum का. इसके main points मैं आपको explain कर देती हूँ. Listen carefully. First of all, what is coal and what is petroleum? कोल से भी आप वाकिफ़ होंगे, हिंदी में इसको हम कोयला बोलते हैं. एंड पेट्रोलियम बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत कॉमन यूज़ इसका होता है जब आप इसके पेट्रोल के फॉर्म को अपने घरों में, आपके घरों में जो मोटरसाइकिल होती होंगी या जो व्हीकल्स होते होंगे उनमें ये यूज़ होती हैं. लेकिन इनकी भी कई सारी टाइप्स होती हैं. अब क्या टाइप्स होती हैं, क्या इनकी डिटेल्स है, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. फर्स्ट, वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आर बेसिक नीड्स. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. हम अपनी डेली लाइफ में कई तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं जिनमें कुछ तो क्या होते हैं, जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है, और कुछ मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स यानी हमारे द्वारा बनाए जाते हैं. अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको उसकी लिस्ट बनानी है. ये आपको सेल्फ बनानी है, आप खुद ही कैलकुलेट करोगे कि आप डेली यूज़ में क्या क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हो जिनमें कुछ तो नेचुरल होती हैं और कुछ मैन मेड होती हैं. Does this list include air, water, soil and minerals? क्या इस लिस्ट में एयर, वाटर, सॉइल या मिनरल्स भी आते हैं? तो आंसर शुड बी येस, क्योंकि आते हैं, ये हमें नेचुरली प्रोवाइड किए जाते हैं. सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, चूँकि ये हमें नेचर से मिलते हैं इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ Can air, water and soil be exhausted by human activities? You have already studied about water in class 7th. Is water a limitless resource? हम सभी इसके बारे में क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं कि water क्या है, एक limitless resource है. In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. Mainly ये two kinds के होते हैं, inexhaustible resources and exhaustible natural resources. अब inexhaustible में क्या क्या आते हैं आपके, these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. ये nature में unlimited quantity में present होते हैं और human activity का इन पर ज़्यादा असर नहीं होता. जैसे sunlight है, एयर है, ये आपको नेचुरली ही मिलते हैं. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. इन नेचुरल रिसोर्सेज की जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती हैं. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये हमारी एक्टिविटी से एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं. और इसके एग्जाम्पल हैं आपके फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. यानी अगर हम इनको केयरफुल्ली प्रिकॉशन के साथ यूज़ नहीं करते तो ये धीरे धीरे क्या होंगी, हमारे अर्थ पे से खत्म हो जाएंगी. देन एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. ईच ग्रुप मे हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न. हर ग्रुप का क्या होता है, हमारे पास जो मटेरियल है उनका डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न होता है, यानी हम उसको किस लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं, कहाँ तक हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं. In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. और इस chapter में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, coal, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remains of living organism. और ये कहाँ से form होते हैं, mainly जो dead remain, living organism के जो dead remains रह जाते हैं उन्हीं से ये form होते हैं, और इसीलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, fossil fuels. Then first है हमारा coal. You may have seen coal or heard about it. आप लोगों ने या तो कोल को, कोयले को देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा. It is as hard as stone and is black in color. ये इतना hard होता है जैसे कि एक stone हो, और इसका color क्या होता है, black होता है. Coal is one of the fuels used to cook food. सबसे पहले कोल का use करते थे, आपके गांव में जाओगे या interior कहीं जाओगे तो, या हो सकता है आपके जहाँ पे विलेज में घर होंगे, पुराने घर, उनमें भी अभी भी कोयले पे खाना बनता होगा, या अभी भी कुछ घरों में यूज़ किया जाता है इनको. अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. पहले क्या होता था, रेलवे के इंजन में कोल को डाला जाता था, जो क्या प्रोड्यूस करते थे, स्टीम को, जिससे वो इंजन वर्क कर सके.
इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और थर्मल पावर प्लांट्स में इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेट लैंड एरियाज. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉयल. काफ़ी समय पहले क्या हुआ था, फ्लड यानी जो नेचुरल डिजास्टर थे उनके कारण जो फॉरेस्ट थे वो सॉयल के नीचे दब गए थे. एज मोर सॉयल डिपोजिटेड ओवर देम, और जैसे जैसे उन पर सॉयल की लेयर चढ़ती गई दे वेयर कंप्रेस्ड, उन पर दबाव भी बढ़ता चला गया. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ वो और भी ज़्यादा गहराई में चले गए. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, और इसी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण क्या हो गया, जो फॉरेस्ट बरी हुए थे उनके जो डेड प्लांट्स थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए. एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, और कोल मेनली क्या कंटेन करता है अपने साथ, कार्बन. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इंटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, और इसी स्लो प्रोसेस को जिसमें डेड वेजिटेशन से कोल में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन. अब कोल की जो फॉर्म होती है, नाउ कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस. और कोल से ही क्या क्या बनाया जाता है हमारा, उसका फॉर्म जो होती है कोक, कोल तार एंड कोल गैस. कोक क्या होती है, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कोक जो होती है कोल की, कार्बन की प्योर फॉर्म होती है. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स को निकालने में या स्टील को बनाने में कोक का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा कोल तार, इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल. कोल तार क्या होती है, कलर में ये ब्लैक होती है और लिक्विड थिक लिक्विड होती है, बट इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, इसमें ऑलमोस्ट 200 सब्सटेंस होते हैं, ये उनका मिक्सचर होता है. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज एज स्टार्टिंग मटीरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेज यूज इन एवरी डे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफीज मटीरियल एक्सेट्रा. इन सारे कामों में मेनली कोल तार का यूज़ किया जाता है. देन है आपका कोल गैस. कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. कोल गैस को कब हम ले सकते हैं, कब हमें मिलता है ये, जब इनकी प्रोसेसिंग होती है कोल से कोक बनाने में. इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल टू मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, और इसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है. देन हमारा पेट्रोलियम, यू नो दैट द पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल. जनरली पेट्रोल के यूजेस कहाँ होते हैं हमारे, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार्स हैं इनमें, लेकिन जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं लाइक ट्रक, ट्रैक्टर्स, उनमें डीजल यूज़ किया जाता है. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम, और ये जो पेट्रोल और डीजल दोनों ही मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से. नाउ डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड, तो आपको क्या मालूम है कि पेट्रोलियम कैसे बनते हैं, कैसे बनाया जाता है इनको. देन पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइट दियर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सी में यानी समुद्र में, जो एक्वेटिक होते हैं, जब उनकी डेड बॉडीज होती हैं वो सी के बॉटम में चली जाती हैं और उनके ऊपर किसकी लेयर बनती है, सैंड एंड क्ले की. ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इंटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. अब कई हज़ार सालों के बाद जब वहाँ पे एयर की एब्सेंस होती है, हाई टेम्परेचर नहीं मिलते, हाई प्रेशर नहीं मिलते, तो वो किस में ट्रांसफॉर्म होती है, वो डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी, वो सारे पेट्रोलियम या नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. देन है आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कैसे उसको रिफाइन किया जाता है. पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड,
पेट्रोलियम क्या होता है, डार्क ऑयली लिक्विड होता है. इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा. और ये कई सारे मटेरियल का मिक्सचर होता है जिसमें क्या क्या आते हैं आपके, पेट्रोलियम गैस हैं, पेट्रोल हैं, डीजल हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हैं. देन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. और इन कॉन्स्टिट्यूएंट से जब पेट्रोलियम को अलग किया जाता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग. और ये प्रोसेस होती है पेट्रोलियम रिफाइनरी में. देन है हमारा नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है क्योंकि इसके लिए इसको ट्रांसपोर्ट करना पाइप के थ्रू बहुत ईजी हो जाता है. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. और इसे जिस फॉर्म में स्टोर किया जाता है उसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी CNG, विच इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, जिसको पावर जनरेट के लिए भी यूज़ किया जाता है. इट इज़ नाउ बींग यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग एंड इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल. CNG को हम क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है. ये आपके कंप्लीट चैप्टर की समरी है. आप चैप्टर रीड कीजिए, वीडियो देखिए. इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप अपने गिवन टाइम पे मुझे कॉल या मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.